लॉकडाउन के दौरान व्यापारियों के विरुद्ध दर्ज हुए मुकदमे की वापसी को लेकर उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल उत्तर प्रदेश के बैनर तले व्यापारियों द्वारा जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन करते हुए एक ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री को भेजा गया, जिसमें मांग की गई कि व्यापारियों पर दर्ज हुए मुकदमे जल्द वापस लिए जाएँ। लॉकडाउन के दौरान व्यापारियों पर पुलिस व अन्य विभागों द्वारा भारी संख्या में आपदा प्रबंधन एक्ट के तहत कई व्यापारियों पर मुकदमा दर्ज किया गया था। इस संबंध में दिनांक 29 जनवरी 2021 को सभी प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ था कि कोविड-19 नियमों का उल्लंघन के सभी मुकदमे वापस लिए जाएं, लेकिन पुलिस द्वारा ऐसे मुकदमों पर चार्जशीट लगाकर न्यायालय भेजा जा रहा है, जिसके लिए उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल शासन से मांग करता है कि व्यापारी पर हुए मुकदमे जल्द ही वापस किए जाएं, नहीं तो व्यापारी आगे आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। सर, क्या नाम है आपका? मैं जयदेव यादव। जयदेव जी, किस पद पर हैं आप? मैं जिला प्रभारी उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल उत्तर प्रदेश। जिलाधिकारी कार्यालय आना हुआ है, क्या समस्याओं को लेकर? यहाँ पर हमने जिलाधिकारी महोदय के द्वारा एक ज्ञापन मुख्यमंत्री जी को सौंपा है, जिसमें हमने मांग रखी है कि लॉकडाउन में लगे जितने भी व्यापारियों पर आपदा प्रबंधन के तहत मुकदमे लगे थे, वो वापस लेने की शीघ्र से शीघ्र मांग की है। क्योंकि बीच में अभी हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा तो था कि हम उनको वापस ले रहे हैं, लेकिन वापस नहीं लिए गए हैं और ना ही कोई आदेश अभी भी किसी भी प्रशासन पर नहीं आया है। हम चाहते हैं उस पर शीघ्र से शीघ्र प्रशासन के पास एक आदेश पारित हो, ताकि सारे व्यापारियों को उसे एक जो मानसिक प्रताड़ना का झेलना पड़ रहा है उससे निजात मिले। बस हमारी मुख्यमंत्री जी से यही प्रार्थना है और मांग है। धन्यवाद। कितना समय हो गया मुकदमे को और किस वजह से? पहले लॉकडाउन में तो बहुत ही मुकदमे लगे थे, दूसरे में भी कुछ लगे हैं, लेकिन इनको सबको अगर मिला के देखें तो 2 से 2.5 लाख मुकदमे जो हैं व्यापारियों पर लगे हुए हैं। और हम चाहते हैं कि पूरे प्रदेश में जितने भी व्यापारियों पर ये मुकदमे लगे हैं उनको जल्द से जल्द वापस लें, क्योंकि नहीं लिए जाते हैं मुकदमे तो फिर हम फिर से इसको आंदोलन और बड़ा करेंगे। और हम हर हफ्ते 3 दिन 4 दिन फिर आए दिन हम करते रहेंगे जब तक ये मांग हमारी नहीं पूरी होगी।